ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021, इसका आज सातवां पड़ाव 24 तारीख रविवार के दिन चतुर्थी आज यहाँ हम लोग कोसी कला के आसपास, यहाँ से कोसी कला मात्र 2 किलोमीटर ही है, कोसी कला की भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। 2-3 दिन से श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से आप लोग श्री ठाकुर जी के जुगल रसराज के रास महारास की भूमि में बैठे हुए हैं। और सबसे पहले यात्रा आज श्री शाही का आप लोगों ने दर्शन किया, पौड़ानाथ भगवान का, और वहाँ से होते हुए नंदनवन, खरौट, और यहाँ आकर कोसी में आज पड़ाव पड़ा हुआ है। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में यहाँ की लीलाओं का गान किया गया है, तो हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, चूँकि आज पुनः फिर से पूज्य श्री बा महाराज का अनुग्रह हम सबको प्राप्त होगा। पूज्य श्री बा महाराज कुछ आधे घंटे में यहाँ पधारने वाले हैं, तो हम लोग उससे पूर्व सभी लीला स्थलों का आज, जिन जिन लीला स्थलों का आप लोगों ने दर्शन किया, शेषाई भगवान श्री पौड़ानाथ भगवान के दर्शन आज हम लोगों ने किए, और इस स्थान का वर्णन यहाँ इस लीला भूमि पर, चूँकि जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्रज भूमि साधन भूमि नहीं है, ये साधन सिद्धा भूमि है। समस्त साधनों का फल जब प्राप्त होता है, अन्य तीर्थों में, अन्य स्थानों में मनुष्य जीव साधन करने के लिए जाता है, लेकिन ब्रज भूमि की प्राप्ति जब भी होती है, ये साधनों के फलस्वरूप और उससे भी उत्कृष्ट श्री ठाकुर जी की कृपा के फलस्वरूप ही ब्रज भूमि का आश्रय प्राप्त होता है। तो आज शेषाई का जो दर्शन किया, यहाँ शेषाई में श्री कलिपावनावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव भी यहाँ पधारे हैं, चैतन्य महाप्रभु शेषाई में आए हैं। जिस समय ब्रज में आए तो ग्रंथों में प्राप्त होता है, यहाँ दर्शन करने के लिए कामवन भी महाप्रभु जी आए हैं, कामवन से होते हुए नंदगांव भी गए हैं, और नंदगांव जब महाप्रभु चैतन्य देव आए तो वहाँ एक बड़ी गुफा, जिस गुफा में दोनों भैया कृष्ण बलराम का, ब्रज भक्ति विलास, भक्ति रत्नाकर, इन ग्रंथों में श्री महाप्रभु चैतन्य देव के ब्रज आगमन की जो लीला है, ब्रज आगमन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ भ्रमण किया श्री महाप्रभु जी ने, उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो नंदगांव भी गए हैं, कामवन भी गए हैं, खायरा भी श्री महाप्रभु जी गए हैं, और इन सब लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए नंदीग्राम, नंदगांव में जब पहुँचे हैं, तो वहाँ नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं का साक्षात दर्शन महाप्रभु जी ने वहाँ किया है, और दोनों भैयाओं का दर्शन करके
वहाँ एकदम मूर्छावस्था प्रेम की चैतन्य महाप्रभु को हुई है, उस दिव्य कांति, दिव्य स्वरूप, दिव्य आभा का दर्शन करके, एक तो ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में भी साक्षात श्री ठाकुर जी का दर्शन, क्योंकि ये उस समय की बात है जिस समय श्री गोविंद देव जी या मदन मोहन जी, ये सब अर्चा विग्रह उस समय तक प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ है और श्री मदन मोहन जी जो करौली में वर्तमान में विराज रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी, तो इन सभी अर्चा विग्रहों का प्राकट्य बाद में हुआ है, ये उससे पूर्व की बात है, जिस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए और दोनों का एक गुफा में कृष्ण बलराम का दर्शन महाप्रभु जी को हुआ है। अब यहाँ कई लोगों का ऐसा मानना है कि महाप्रभु जी वृंदावन आए, नंदगांव आए और खैरा भी गए, आज जिस स्थान का आप लोगों ने दर्शन किया शेषशायी, शेषशायी में भी श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण बुद्धि विचारधारा के लोगों को ऐसा मानना है या वो लोग ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जी बरसाने तो आए ही नहीं, अरे खैरा से नंदगांव आएंगे तो कोई विमान से उड़कर थोड़ी चले जाएंगे, खैरा से नंदगांव आएंगे तो बीच में बरसाना तो पड़ेगा ही, यही संकेत करता है कि महाप्रभु चैतन्य देव बरसाना भी पधारे हैं, बरसाना में आके भी श्री प्रिया जी की कृपा प्राप्त हुई है। तो बरसाने में यहाँ खैरे से नंदगांव से खैरा जाते समय मध्य में बरसाना तो आना निश्चित ही है, और श्रीमन महाप्रभु जी के दीर्घ काल के बाद श्री नारायण भट्ट जी हुए, नारायण भट्ट जी के द्वारा ही ब्रज के अनेक अर्चा विग्रहों का प्राकट्य हुआ है, जिसमें से जो श्री जी आज श्री जी महल में विराज रही हैं, जो श्री विग्रह वो श्री नारायण भट्ट जी के ही द्वारा स्थापित श्री विग्रह है, जो अपनी ही कृपा से श्री जी प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार ये स्थान, ये भूमि, यहाँ की उपासना, जिसके लिए भागवत जी में लिखा है नेमम विरंचो न भवो न श्रीरप्य रंगस संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्त प्राप्त विमुक्तिदात। जो कोई ब्रज भाव से भावित होगा, ब्रज भाव क्या है, ब्रज भाव का स्वरूप क्या है, ब्रज भाव कहते किसको हैं, वह कौन सा भाव है जो ब्रज के प्रति हृदय में उदित होता है, बोले ब्रज भाव यही है कि यहाँ किंतु परंतु किए बिना श्री राधा माधव की लीला, जिन लीलाओं को हम लोग महापुरुष जनों के मुख से, रसिक जनों के मुख से सुन रहे हैं, उसमें किंतु परंतु ना किया जाए। नेमम विरंचो न भवो न श्रीरप्य रंग संशया। जो कोई ब्रजभाव से भावित होगा तब ये ब्रजभाव की या ब्रज के रस की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा अपनी बुद्धि शक्ति का यह प्रयोग करने की सामर्थ्य की या अपनी बुद्धि शक्ति को प्रयोग करने का यह प्रयास किया, ना तो यह भाव मिलेगा ना यह रस मिलेगा, यही ब्रज की उपासना है। तो इसलिए जितने भी आचार्य हैं, जैसे षड गोस्वामी पाद हैं, षड गोस्वामी पाद में से श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने नंदगांव में रहकर, सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर पर जिनकी भजन स्थली रही है, श्री रूप गोस्वामी जी की टेर कदम भजन स्थली रही है, तो इन महापुरुषजनों ने, आचार्यों ने ब्रजभूमि में नंदगांव, बरसाने, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इनकी आराधना भूमि यह रही है, और यहाँ तक कि सभी रसिकों ने यहाँ के विषय में गाया है। श्री हरिवंश जी कहते हैं चलो वृषभानु गोप के द्वार, अथवा स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं प्यारी जू आगे चल गैवर वन भीतर जहाँ बोलें कोयल री। तो ये बरसाने की जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, ब्रजभूमि जहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर अपनी साधना, अपना भजन किया है। तो इस प्रकार ये बरसाने के बाद खदिर वन होते हुए शेषशायी पौढ़ानाथ का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु नंदगांव, खैरा, बरसाना होते हुए यहाँ आए हैं, और यहाँ शेषशायी में जिस स्थली को देखते ही यहाँ पर श्री महाप्रभु चैतन्य देव के मुख से गोपी गीत का एक श्लोक निकला,
क्योंकि अभी हम लोग पूर्व के जो दो दिन थे यात्रा के, जैसे चमेली वन था, कोकिला वन, ये सभी स्थान श्री ठाकुर जी की रासोली, रासवन, ये महाराष्ट्र के स्थान हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जब पदार्पण हुआ, शेषाई में आए हैं, तो यहाँ आते ही इस भूमि का दर्शन करते ही, इस भूमि का स्पर्श होते ही गोपी गीत का एक श्लोक श्री महाप्रभु जी के मुख से निकला और यहाँ आते ही एकदम गोपिका भाव में, गोपियों के भाव में निमग्न हुए हैं। यत्ते सुजा चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता शनि प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेना टवी मटसी तद व्यथते न किंस्विद कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदा युषाम नह। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं, लेकिन ये गोपी गीत शेषशाई, और शेषशाई में भी आप लोगों ने दर्शन किया पौड़ानाथ भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान लेटे हुए हैं, लेकिन वस्तुतः यहाँ लक्ष्मी नारायण, जिन लक्ष्मी नारायण के विषय में ये कहा गया है, नारायण कमला सुनि मोहे अति रुचि हृदय भई मुरली धुनि वैकुंठ गई। इस भूमि में तो कमला का, लक्ष्मी जी का प्रवेश ही नहीं है, तो यहाँ पौड़ानाथ भगवान के दर्शन कैसे, ये शंका होगी कि यहाँ तो लक्ष्मी नारायण का भी प्रवेश नहीं है इस भूमि में, यहाँ तो नित्य नवीन स्वरूप श्री राधा माधव का स्वरूप ही यहाँ विराजता है, तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान कहाँ से आ गए, इनके दर्शन कैसे हुए। तो इस लीला को हम लोग आगे सुनेंगे कि यहाँ पौड़ानाथ जो हैं वो कौन है, कौन से पौड़ानाथ हैं जिनको यहाँ स्थान मिला हुआ है। उससे पूर्व कूर्म पुराण में शेषाई को प्रणाम करने का मंत्र है, हाथ जोड़कर हम लोग प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़े प्रणाम करें, यहाँ शेषाई में साक्षात श्री युगल सरकार ही लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ लीला करने के लिए विराजे हैं। वस्तुतः यहाँ लक्ष्मी नारायण नहीं बल्कि श्री युगल सरकार ही इस रूप में यहाँ विराजित हैं, नित्य रूप से विराज रहे हैं। ऐसे शेषाई वन को क्यों विराजे हैं, इसका कारण क्या है, ये हम लोग लीला आगे सुनेंगे गर्ग संहिता के प्रमाण से। उससे पूर्व हम लोग इस शेषाई स्थान को, इस लीला स्थल को हम लोग प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़कर ध्यान करें। कमला सुख रम्याय कमला सुख रम्याय कमला सुख रम्याय शेष शयन हे तवे नमः कमल किंजल का नमः कमल किंजल का नमः कमल किंजल का नमः कमल किंजल का वाससे हरये नमः वाससे शेषाई में महोदधि कुंड है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, साथ में उसको भी हम लोग प्रणाम करेंगे, जहाँ श्री युगल सरकार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में विराजित हैं। ऐसा वह क्षीर सागर जिसका स्पर्श करते ही करोड़ों करोड़ों समुद्रों में, महातीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा पवित्र जल जहाँ श्री राधा माधव जिस जल का स्पर्श करते हैं, ऐसे उस महोदधि कुंड अर्थात क्षीर सागर को भी प्रणाम है, हाथ जोड़कर सरोवर का ध्यान करते हुए जहाँ युगल सरकार विराज रहे हैं उसको प्रणाम करेंगे। पंचामृत समुत्पन्ना पंचामृत समुत्पन्ना पंचामृत मयायते पंचामृत मयायते पंचामृत
पंचामृतमयायते पंचामृतमयायते लक्ष्मीकृताय तीर्थाय लक्ष्मीकृताय तीर्थाय लक्ष्मीकृताय तीर्थाय लक्ष्मीकृताय तीर्थाय नमो मुक्ति महोदधे नमो मुक्ति महोदधे नमो मुक्ति महोदधे नमो मुक्ति महोदधे। यहाँ इस मंत्र का भाव है कि जहाँ लक्ष्मी के सुख से रमणीक शेष के शयन करने वाले और कमल के पराग से युक्त ऐसे वस्त्र धारण करने वाले श्री हरि को जो सरोवर में विराजते हैं उनको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। और जो महोदधि कुंड है जो क्षीर सागर का स्वरूप प्रस्तुत करता है, आपने अगर ध्यान से दर्शन किया होगा तो उस क्षीर सागर का आज भी श्वेत वर्णीय है। जैसे क्षीर सागर में जहाँ शेषनाग भगवान और लक्ष्मीनारायण भगवान विराजते हैं, श्वेत उसका जल है, श्वेत वर्ण का आज भी ये लीला स्थल, ये लीला नित्य प्रति हो रही हैं, यह दर्शन कराते हैं जिसका क्षीर सागर का जो स्वरूप प्रस्तुत करता है। और पंचामृत समुत्पन्न पंचामृत मयायते, पंचामृत से उत्पन्न कैसा स्वरूप है युगल सरकार का, जैसे पंचामृत में से ही पंचामृत प्रकट हुआ हो, पंचामृत जैसा स्वरूप सरोवर का है और उसमें है पंचामृत जैसे ही दोनों युगल सरकार ऐसे लक्ष्मी से निर्मित समुद्र महासागर का स्वरूप लेने वाले। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण का जो नाम है वो प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण है, ब्रजवासी इनको पौढ़ानाथ यानी जो पौढ़े हुए हैं, जो लेटे हुए हैं, पौढ़े मतलब जो लेटे हुए हैं, ऐसे श्री पौढ़ानाथ भगवान। लेकिन ये पौढ़ा ये अपभ्रंश है, मूल शब्द जो है वो है प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण। प्रौढ़ का तात्पर्य जो प्रौढ़ हैं, बड़े हैं, जो बहुत जिनसे आगे कोई हो नहीं सकता है। लक्ष्मी नारायण महाविष्णु इनसे अलग हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण कौन है? तो जो प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण और प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण इनमें क्या भेद है? तो यहाँ कौन से लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं जबकि हमारे ग्रंथों में और महापुरुष जनों की वाणियाँ कहती हैं नारायण कमला सुनी मोहे अति रुचि हृदय भई। और श्री सूरदास जी कहते हैं कि जो वंशी की ध्वनि है सो हमते अति दूर, वह भूमि तो हमसे अत्यंत दूर है, तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे यहाँ विराज रहे हैं? तो ये प्रमाण इसका प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण जो भगवान है इसका प्रमाण गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। और इसका प्रमाण दूसरा प्रमाण चैतन्य चरितामृत में भी इसका प्राप्त होता है। शयन स्थाय देवाय लक्ष्मी सेवा परायण नमो प्रौढ़ स्वरूपाय लक्ष्मी नारायण ते। यहाँ प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण इसलिए रखा गया क्योंकि माहेश्वरी तंत्र में यह उल्लेख प्राप्त होता है यहाँ के विषय में कि लक्ष्मी जी ने ध्यानस्थ होकर, ध्यान में बैठी हुई थी लक्ष्मी जी और ध्यान में बैठे बैठे एकदम से श्री ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जब लक्ष्मी जी के कर्णों कोहर में गई तो वहाँ लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, स्वामी ये वंशी की ध्वनि आ कहाँ से रही है? तो सारा वृत्तांत नारायण भगवान ने बताया कि देवी इस प्रकार वृंदावन की दिव्य भूमि में, चिन्मय भूमि में, अप्राकृत भूमि में श्री युगल सरकार का रास महारास होने जा रहा है और वहाँ से ये ध्वनि आ रही है तो चलना चाहिए। कैसे चलें? बोले जा नहीं सकते, प्रवेश नहीं है इस भूमि में, तो क्या किया जाए? वो गोपनीय है। तब लक्ष्मी जी ने इस रहस्य को जानने के लिए, इस भूमि में प्रवेश करने के लिए, यहाँ के इस रहस्य रस को जानने के लिए श्री लक्ष्मी जी ने केतुमाल पर्वत पर जाकर तप किया।
कि आराधना में तो अनंत शक्ति है, हालांकि मेरा उस भूमि में प्रवेश नहीं है जब नारायण भगवान का ही नहीं है, लेकिन आराधना से सब कुछ संभव है, तो मैं क्यों नहीं उस लीला भूमि का। बड़ी त्वरा हुई लक्ष्मी जी को, बड़ी जिज्ञासा हुई, ललक हुई कि ब्रज भूमि में जाना चाहिए। वो कौन सा रस है जो हमसे भी अगम्य है, हमसे भी आगे है, हम भी जिसको पा नहीं सकते, लेकिन आराधना में अनंत शक्ति है, आराधना में वह प्रभाव है कि इस भूमि में मुझे पहुंचा देगा। तो यहाँ पर मानवती तपह लीना जो लक्ष्मी जी हैं और वहाँ पर उन्होंने तप किया, तो वैकुंठनाथ भगवान ने देखा भैया लक्ष्मी जी तो हमसे मान करके बैठ गई, कैसे काम चलेगा। क्योंकि भगवान नारायण ने मना कर दिया कि उस भूमि में हमारा प्रवेश नहीं है, तो मान करके वहाँ चले गई केतुमाल पर्वत पर। और वहाँ उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि देखो मैं श्री वृंदावन बिहारी लाल का ध्यान कर रहा था, इसलिए मैं उस समय कुछ कह नहीं पाया, उसमें तुमको बता नहीं पाया। ये सुनकर लक्ष्मी जी श्री राधारानी के चरण नख की कामना करने लग गई कि कम से कम उस भूमि में जाकर मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मेरा ये ऐश्वर्य स्वरूप नहीं चाहिए, श्री राधा रानी के नख की कांति का ही दर्शन मुझे हो जाए, जिनकी नख कांति से, श्री राधा रानी के श्री चरणों के नख की कांति से अनंत कलाएं, अनंत देवियां, अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जाड़चिते, जो कृपा कटाक्ष में कहा है, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, नख की अपार सिद्धि, श्री प्रिया जी के श्री चरण नख की कांति से अपार सिद्धि वृद्धि, जो वृद्धि करती हैं, जिनकी वृद्धि ही श्री प्रिया जी के श्री चरणों के नख की कांति से होती है, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसी श्री स्वामिनी जी कब हमारे ऊपर कृपा करेंगी, इस आशा को लेकर लक्ष्मी जी ने यहाँ केतुमार पर्वत पर तप किया। और इसलिए जो राधा सुधा निधि में कहा है, कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि कमल कोटि काम्यई कपादम, यहाँ ये भूमि लीला भूमि है, भोज भ्राजन नखेंदु छवि विभा काप्य गम्या किशोरी, तो ये वो भूमि है कांताढ़्याश्चर्य कांता कुलमणि, श्री प्रिया जी कुलमणि हैं, जिनके उस प्रभाव को देखकर लक्ष्मी आदि मोहित हो जाएं, कमला कोटि काम्यई कपादम, उनके श्री चरणों का दर्शन ही हो जाए, यही लक्ष्मी आदि भी चाहती हैं। तो यहाँ पर गोपी गीत का स्मरण भी इस लीला भूमि में आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को हुआ, और श्रीमद् भागवत जी में भी इस स्थान का उल्लेख प्राप्त होता है। और गर्ग संहिता जो श्रीमद् भागवत जी का ही भाष्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत सूत्र रूप ग्रंथ है, बहुत सूत्र में श्री सुखदेव जी ने इसका गायन किया है, क्योंकि श्री परीक्षित जी के पास बहुत ही अल्पावधि और बहुत ही अल्प समय है, तो सूत्र रूप में अनेक लीलाओं का गान किया है, जिसका भाष्य इसको कहा जाता है, जो ग्रंथ सूत्र रूप में लिखा हो उसका फिर विस्तार से वर्णन किया जाए, वो भाष्य होता है। तो गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता के रूप में श्रीमद् भागवत जी के भाष्य को स्वीकार किया है, और उसी में श्रीमद् भागवत जी की लीलाएं जो सूत्र रूप में कही गई हैं, वही रास, चार प्रकार का रास गर्ग संहिता में स्वीकार किया है, और श्री कृष्ण लीला का उसमें विस्तार हुआ है। तो कोकिलावन में जब गोपी गीत गाया, तब अचानक श्री कृष्ण प्रकट हो गए, इत्थम राजन रुदंती नाम गोपी नाम कमलेक्षण आविर्वधूय सहसाम स्वयं अर्थम इवात्मन, श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। अब ये लीला भूमि, यहाँ शिष्याई की लीला का वर्णन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण जब वहाँ प्रकट हुए तो बड़ा सुंदर श्रृंगार का वर्णन है, गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, बड़ा लंबा वर्णन है, उसका वर्णन करने लगेंगे तो अन्य लीलाएं छूट जाएंगी। तो गर्ग संहिता में श्री ठाकुर जी के उस सुंदर श्रृंगार का, जिस समय अंतरहित हुए, अंतर्धान होने के बाद जब प्रकट हुए श्याम सुंदर, तो कैसा सुंदर स्वरूप श्याम सुंदर का है, उसका बड़ा विस्तार से गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। और प्रकट होने के बाद गोपियों ने वहाँ हरे रधन्य तन मध्य, और श्री कृष्ण बड़े उत्साह के साथ नृत्य करने लगे, वंशी वादन तन मध्य, वंशी बजा रहे हैं, और कैसी राधाया सहितो राजन, राधा रानी के साथ में जितनी गोपी उतनी स्वरूप,
अब वहाँ गोपियों ने जब श्याम सुंदर प्रकट हुए तो इसलिए मैं तो तुम्हारा भजन करने के लिए चला गया था परोक्ष रूप से, मैं कहीं गया थोड़ी था। तब वहाँ गोपियों ने कहा है और बड़ी सुंदर प्रेम की परिभाषा श्रीमद् भागवत जी में श्री ठाकुर जी ने बताई है, और इस प्रकार मैं तुम्हारा भजन कर रहा था परोक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से भजन तो किया। गोपियों ने कहा फिर विलम्ब क्यों हुआ आने में, आपको पता नहीं हमें कितना समय हो गया आपको ढूंढते ढूंढते, कितने वन वनांतरों में हम आपको ढूंढ आई हैं फिर भी आप नहीं मिले, विलम्ब क्यों हुआ, विलम्ब का कारण? तब श्री ठाकुर जी ने बताया मेरे विलम्ब का कारण क्या है, इसका प्रमाण अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है इस लीला का, कि श्री ठाकुर जी वहाँ से जो अंतर्हित हुए हैं गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। बोले ये गर्ग संहिता की ये लीला है, गोपियों पुष्कर द्वीप, जो पुष्कर द्वीप है उस पुष्कर द्वीप में महोदधि, जो महो दधि मंडोत समुद्र के भीतर, वो अलग अलग समुद्र हैं, जैसे सात समुद्र कहे जाते हैं तो सात समुद्रों के अलग अलग नाम हैं, तो पुष्कर द्वीप में जो दधि मंडोक जो समुद्र है वहाँ पर मेरे बड़े ही प्रिय और हंस नाम के मुनि मेरा तप कर रहे थे, मेरा ध्यान कर रहे थे, और उनको तप करते करते दो मन्वंतर बीत गए। एक मन्वंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं, और उनको जो हंस नाम के मुनि थे उनको दो मन्वंतर अर्थात 60 करोड़ वर्ष उनको वहाँ भजन करते हुए हो गए। ये स्वयं श्री ठाकुर जी सुना रहे हैं गोपियों को। तो वहाँ दधि मंडोक समुद्र में जब तप करते 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 वहाँ एक बहुत बड़ा कोई मत्स्य, जब मेरा तप कर रहे थे तो एक आधा योजन अर्थात 4 कोस का वहाँ एक मत्स्य उनको निगल गया। अब मत्स्य ने उनको निगला और इधर उस मत्स्य को एक महान असुर जो पौंड्र जिसका नाम था, वह पौंड्र उस मत्स्य को निगल गया। अब ये बड़ी समस्या आ गई। अब वहाँ वो तो ध्यान में लीन है, उनको ये भी नहीं पता कि किसी मत्स्य ने उनको निगल लिया है और उस मत्स्य को भी पौंड्र नाम के असुर ने निगल लिया है। ऐसी विकट स्थिति उनके सामने उपस्थित हुई। तो गोपियों से श्री ठाकुर जी ने कहा इसलिए मैं यहाँ से अंतर्हित होकर उनके पास गया और वहाँ उनकी रक्षा की, क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों का स्वयं योगक्षेम, ऐसा नहीं किसी सेवक को भेज रहा हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं खुद वहन करता हूँ, मैं खुद उनके हर वस्तु की, उनके हर जरूरत की, उनके कष्ट का ध्यान रखता हूँ। तो उस योगक्षेम की जो मेरी व्रत की धारणा थी उसको मैं पूर्ण करने के लिए वहाँ गया, और वहाँ जाकर वहाँ मैंने उनका रक्षा की है। पहले तो उस असुर को मारा, उस असुर को मारने के बाद उस मत्स्य को निकाला, और फिर उस मत्स्य को मारा, उस मत्स्य को निकालने के बाद, मारने के बाद महामुनि हंस को वहाँ से निकाला है, और उसके बाद वो ध्यान में अभी तक लीन है। और यहाँ पर इसी प्रकार इस व्रत की रक्षा करने के लिए दोनों मत्स्यों का वध किया और हंस मुनि को निरपराध करके श्वेत द्वीप में गया हूँ। दुखिता भवती ज्ञात्वा निद्राम त्वक्त्वा प्रिया सहसा भक्त वश्यहम पुनरागत वानिह। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वहाँ से रक्षा करने के बाद मैं श्वेत द्वीप गया, वहाँ जाकर मैंने बढ़िया श्रेष्ठ भगवान के ऊपर शयन किया, शांत हो गया, थक गया। बोले अच्छा आप ये लीला करके आ रहे हैं, चलिए इस लीला का आप हमें भी दर्शन कराइए कि आपका कौन सा श्वेत द्वीप है, बढ़िया आपकी लीलाएँ सुन रहे हैं हम। गोपियों ने कहा अपना श्वेत द्वीप दिखाइए, कहाँ है आपका श्वेत द्वीप, कौन सा श्वेत द्वीप है, कौन से आप नाग पर लेटते हैं, आपके कहाँ हैं शेष, कैसे हमें विश्वास हो। तो गोपियों ने वहाँ जब कहा है कि आप हमारे शेष शयन लीला का दर्शन कराइए, तो क्षीराब्धौ शेष पर्यंके यद्रुपम च त्वया धृतम तद्रुप दर्शनम देही यदि प्रीतोसी माधव। अब श्री ठाकुर जी ने वहाँ, ये वही शेषशायी स्थान है जहाँ श्री भगवान ने, जिनको प्रौढ़ पौड़ानाथ भगवान कहते हैं, प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण, ये वो लक्ष्मी नारायण नहीं है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की अनुकरण लीला श्री ठाकुर जी ने स्वयं करके दिखाई। अब लक्ष्मी नारायण कैसे बने, अब वहाँ क्षीर सागर उत्पन्न हुआ, साक्षात शेष भगवान श्वेत, एकदम श्वेत वर्ण, श्वेत ही जल है, श्वेत ही शेष भगवान का स्वरूप है, और उस पर श्री भगवान महाविष्णु के रूप में विराजे हैं।
अब श्री राधा रानी के बिना तो वह लीला पूर्ण हो नहीं सकती है। तब श्री प्रिया जी से प्रार्थना करी है श्री ठाकुर जी ने कि आप हमें इस लीला में हमारी सहायता कीजिए। तब स्वयं श्री राधा रानी ही लक्ष्मी जी के रूप में वहाँ पर श्री ठाकुर जी के चरण दबाने लगी हैं और इस दिव्य स्वरूप का वहाँ गोपियों ने, समस्त गोपियों ने दर्शन किया है। तथास्तु चोतत्वा भगवान गोपी व्यूहस्य पश्यतः दधा राष्ट्र भुजम रूपम श्री राधा रूपमेव च। यहाँ वो लक्ष्मी जी नहीं, यहाँ श्री राधा रानी ही वो लक्ष्मी जी की अनुकरण लीला की है, लक्ष्मी नारायण की। राधा रानी ही लक्ष्मी जी के रूप में है। और तस्मिन वे शेष पर्यंके सुखम सुश्वाप माधव तस्य श्री रूपिणी राधा पाद सेवाम चकारह। और श्री राधा रानी पाद सेवन करने लगी हैं। यह सुंदर स्वरूप देखकर वहाँ सभी ने, गोपियों ने स्वरूप को प्रणाम किया है और श्री राधा रानी लक्ष्मी रूपिणी राधा जिनके चरण सम्मान कर रही हैं और करोड़ों सूर्यों के समान वह रूप चमत्कृत हो रहा है। ऐसा यह शेषशायी स्थान लघु शेष शयन वन जहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी इस रूप में विराजते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में। वो लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मी नारायण नहीं है, ये ब्रज के लक्ष्मी नारायण अर्थात श्री ठाकुर जी युगल सरकार ही हैं। उस स्वरूप को, जो स्वरूप गोपियों को दर्शन कराने के लिए श्री भगवान ने प्रकट किया है, श्री प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का हम लोग ध्यान करेंगे और ध्यान करके उनको प्रणाम करेंगे। शेष शयन श्री कृष्ण, शेष शयन श्री कृष्ण, सुखावास स्वरूपिणे, सुखावास स्वरूपिणे, सुखावास स्वरूपिणे, लक्ष्मी पादाम हि सेवाय, लक्ष्मी पादान सेवाय, लक्ष्मी पादान हि सेवाय, लक्ष्मी पादान हि सेवाय, नमस्ते कमला प्रिये, नमस्ते कमला प्रिये, नमस्ते कमला प्रिये, नमस्ते कमला प्रिये। यहाँ इस वन में श्री युगल सरकार ने इस स्वरूप का दर्शन, शेषशायी श्री कृष्ण के सुखवास स्वरूप और श्री लक्ष्मी से सेवित चरण चिन्हों से चिन्हित यहाँ इस वन को हम लोग प्रणाम करेंगे। शेषशायी के बाद आप लोगों ने दर्शन किया नंदन वन, जहाँ नंदन वन सब ग्वाल वालों की, ब्रजवासियों की इच्छा हुई, भैया कन्हैया हमने सुनी है बड़े बड़े देवता आदि तेरी पूजा करें, तो को ध्यामें, तो को प्रणाम करें, ऐसा हमने सुनो है, लेकिन तू तो हमारे साथ यहाँ वन वन में गैया चरा रहे हो है, कभी हमते गारी भी खा रहे हो है, कभी पिट भी रहे हो है, ये तेरी उदारता है, तेरी महानता है। हमने सुनी स्वर्ग बड़ो सुंदर है, स्वर्ग के जो बाग बगीचा हैं वो बड़े सुंदर हैं, हमारी इच्छा है कि स्वर्ग के नंदन चंदन वन देखवे की, कहा हमारी वह इच्छा को तू पूर्ण कर सके। तब स्वयं श्री ठाकुर जी ने ही यहाँ नंदन वन चंदन वन को साक्षात नंदन वन का यहाँ दर्शन कराया है। परिचर्यान्वित देव देवेश निर्मिताय वनायते नंदनाय नमस्तुभ्यम नंदनाक्ष वनोपम। यहाँ पर श्री देवराजेंद्र से निर्मित, साक्षात देवराजेंद्र ने श्री ठाकुर जी के लिए निर्मित यह सुंदर नंदनवन बनाया कि मैं कुछ उनकी सेवा कर पाऊँ, ऐसे नंदनवन को प्रणाम है। यहाँ पर नंदनंदन कुंड भी है और ग्वालवाल यहाँ नित्य, यह श्री ठाकुर जी की दोनों प्रकार की लीला भूमि है, श्रृंगार रस की भी और सख्य रस की भी, दोनों लीलाएँ यहाँ हुई हैं। श्रृंगार रस की लीला भी हुई है और सख्य रस की भी साथ साथ लीला हुई है। और शेषशायी का दर्शन करके, नंदनवन का दर्शन करके हम लोग यहाँ इधर फिर आप लोग खरोट में आए हैं, खरोट का दर्शन किया है। खरोट गांव का जो इतिहास है, यहाँ की जो लीला है, खरोट जो खरक्षत वन, खरक्षत वन
खरक्षत शब्द का ही अपभ्रंश हुआ खरौट, खरक्षत का धीरे धीरे नाम परिवर्तित होते होते खरौट हुआ। खरौट की जो लीला है यहाँ, चूँकि यह श्री ठाकुर जी की सख्स रस की भी भूमि है, तो खेल खेल में ग्वाल वालों के साथ यहाँ खरसौट लग गई। जैसे कहते हैं ना, कहीं चलते चलते ठोकर लग जाए, खरौट लग जाए, तो उसको ब्रज में खरसौट कहते हैं, खरसौट लग गई। अब वन में घूम रहे हैं ठाकुर जी, जंगलों में घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते क्या होगा, कहीं किसी पेड़ से खरसौट लग सकती है, कहीं किसी से लग सकती है। तो यहाँ की जो लीला है इसका सूत्र रूप में श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में वर्णन किया, खरसौट कैसे लगी। बहुत सी ग्वाल लीलाओं का वर्णन भागवत में दशम स्कंद में आया है, तो दशम स्कंद के 15वें अध्याय में यहाँ की लीला का वर्णन प्राप्त होता है। विच्छाया भी प्रधायंत्यो केचित वेणु वाद्यंत्यो, सभी ग्वालवाल श्री ठाकुर जी के साथ वंशी बजा रहे हैं। केवल ठाकुर जी वंशी नहीं, ग्वालवाल भी वंशी बजाते हैं, साथ साथ श्री ठाकुर जी के संगत देते हैं। हाँ, उनके मुखिया राजा के रूप में तो श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन वहाँ सब ग्वालवाल, सब प्रकार के वाद्य, चाहे वो सींगी है, चाहे वो फूंक से बजने वाले वाद्य हैं, जितने वाद्य हैं जो जो श्री ठाकुर जी जानते हैं वो ग्वाल वाले भी जानते हैं, और उनके मुखिया के रूप में श्री कृष्ण ही वहाँ विराजते हैं। केचित वेणु वाद्यंतः ध्वांतः श्रृंगाणी केचन, साथ साथ सींगी बजाते हैं, ऐसे गवैया हैं। और वन की लीला है, अब वन में तो क्या खेल खेलेंगे, अब वन में जो भौरे गूंज रहे हैं उन गूंज से ही ग्वालवाल उनके ही स्वर में स्वर मिला के और स्वर विस्तार कर रहे हैं। उसको ही जो भौरे की गुंजार है, जो अच्छा गवैया होता है ना, वो कहीं से भी सांप पकड़ के और उससे गाने लगता है, तो भौरों की गुंजार को सा मान कर वहीं से गा रहे हैं। तो ऐसा सुंदर वहाँ विचित्र खेल वन प्रांत में चल रहा है। कुंजंत ही कोकिलई गणई, अब इतनी देर में किसी कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ गई ग्वाल वालों को। अब वो कोयल की जो ध्वनि थी कोयल की आवाज़ सुनकर ग्वालवाल, इतनी सुंदर कोयल की आवाज़, देखो कोयल जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं, कोयल के साथ आप जितना बोलोगे ना उसके पीछे, वो उतना ही ऊंचा बोलती जाएगी। आप उसके पीछे कूँ करो, वो उससे एक स्वर ऊपर चढ़ जाएगी। आप कूँ करो कूँ, वो और एक स्वर ऊपर चढ़ जाएगी। अब चढ़ते 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 ग्वाल वालों को तो वहाँ आनंद आ रहा है, ऐसा कुहकार कर रहे हैं कि पूरा वन प्रांत, एक तरफ तो कोयल बोल रही है और एक तरफ ग्वाल वाल, और हंसी मजाक ताली बजा बजा के ठाके मार मार के हंस रहे हैं। देखो हम कोयल के साथ कैसे गा रहे हैं, हम तो कोयल से बढ़िया गवैया हो गए, कोयल हमारे साथ गा रही है, हमारी संगत कर रही है। कुंजंत ही कोकिल ही गणी, उस वन प्रांत में कैसी शोभा हो रही है, श्री ठाकुर जी विराजित हैं, कोयल कूंज रही हैं, ग्वाल वाल कूंज रहे हैं वहाँ उस वन में। और बचपन में ये खेल सभी खेलते हैं, और कोयल के साथ होड़ कर करके स्वर बढ़ाती जा रही है कोयल, तो श्री कृष्ण ग्वाल बाल कुंजंत ही कोकिल ही परी कोयल के साथ होड़ कर रहे हैं। और जब कोयल उड़ती है तो कोयल ऊपर उड़ रही है और उसकी परछाई नीचे चल रही है, तो परछाई के साथ साथ दौड़ रहे हैं, अरे भैया कहाँ जा रही है, कोयल के पीछे पीछे भागो, और जहाँ वो बैठ जाए फिर से वहाँ कूजना प्रारंभ कर दें। तो ये श्री ठाकुर जी यहाँ इस वन प्रांत में, क्योंकि ये सख्स रस की भूमि है, तो यहाँ ये लीला कर रहे हैं। विच्छाया भी प्रधावंत गच्छंत ही साधु हंस कई, अब इतनी देर में ग्वाल वालों को हंस दिख गए, और हंस को देख के कह रहे हैं, अरे भैया कन्हैया हंस की चाल तो देखो कैसी सुंदर चाल है, भैया कन्हैया तेरी चाल की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है, तेरी चाल की तो पूरे ब्रज में चर्चा ही चर्चा है, चल तू अब आज हमें हंस की तरह चल के दिखा, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो हंसों का समूह जहाँ चल रहा है वहाँ श्री ठाकुर जी पीछे पीछे हंस जैसी मतवाली चाल से चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे श्री ठाकुर जी के सखागण भी। विच्छया भी प्रधावंत गच्छंत ही साधु हंस कई, तो हंस की तरह चल चल के दिखा रहे हैं। अब इतनी देर में, थोड़ी देर में आगे चले, आगे देखो तो वहाँ एक सरोवर के किनारे बगला बैठे हैं, और बगला जो है बड़ा ढोंगी होता है बगला, रामायण में आया ना, बकह परम धार्मिक, वहाँ लक्ष्मण जी ने दिखाया है कि देखिए कितना धार्मिक, कैसे आँख बंद करके बिल्कुल बैठा हुआ है, और जैसे ही कोई मछली आए तो मछली को लगता है तो बगला महाराज बड़े साधु बन गए हैं, चलो इनके आसपास चलते हैं, लेकिन एक आँख से देखता रहता है कि कब मछली आए और कब उसको मैं चोंच में लेके खा जाऊँ।
हम सब परम धार्मिक, कैसा धार्मिक दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। तो बड़े ध्यान लगा के बगुला बैठा है, अब वहाँ बगुले को देखकर ग्वाल वाल कह रहे हैं, भैया कन्हैया बड़ो बढ़िया ध्यान लगा रहे हो बगुला, आज तक हमने ऐसा ध्यान नहीं लगाया, चलो इनके बगल में बैठ के कैसे ध्यान लगाया जाए, ध्यान लगाना चाहिए। तो बगुला बैठे हुए हैं, ग्वाल वाल बड़े ध्यान लगा रहे हैं, हमहू ध्यान लगाएंगे। आगे मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे, तो ये ग्वाल वालों की जो लीला है पूरे ब्रज में चल रही है, और श्री ठाकुर जी गौचारण के समय ये सब लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन अब खरक्षत कैसे लगी, खरोंट कैसे लगी श्री ठाकुर जी को, तो इसका भी भाव आ रहा है, श्लोक आ रहा है, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। चूँकि ये खरोंट वन पहले सारा ब्रज ही वन था, तो ऊपर बंदर बैठे और थोड़ी देर में बंदर दिखाई दिए। ग्वाल वालों ने कही, कन्हैया ये देख या वृक्ष पे कैसो सुंदर एक बंदरिया को बच्चा है, या बंदरिया के बच्चा को चल पकड़े। ठाकुर जी ने कही, सारे मरवावे को या बंदरिया के बच्चा को पकड़ते। अरे कन्हैया एक बंदरिया के बच्चा ते डर रहे हो, तेने इतने बड़े बड़े असुर मार दिए, बड़ो सुंदर लग रहे हो, चलो या हाथ में लेके और या खिलाएंगे। अब वहाँ श्री ठाकुर जी और अब ग्वाल लीला है, सक्षरस की लीला है, सक्षरस में तो कभी कछु कर सकें ठाकुर जी। अब वहाँ बंदरिया के बच्चा को विकर्षंतः कीश बालान, उन बालकों से ही खेलने लग रहे हैं। और आरोहंतश्चैर दुमान, अब बच्चा कीश कहें बंदर को, कीश बालान कीश के अर्थात बंदरों के बच्चों से खेल रहे हैं। और जब बंदरिया को बच्चा पकड़े होगा तो बंदरिया कैसे करेगी, खिर्र खिर्र करेगी। अब कोई वाके बच्चा के पास आए तो खिर्र खिर्र करके भगाएगी, अपने गेवर मन में बहुत बंदर हैं, है ना बंदर, तो उनके पास कोई जाए तो कैसे करते हैं, खिर्र खिर्र कितनी ज़ोर से उनको डराते हैं। कोई पास तो आ जाए बंदर के पास, तो और बंदर के बच्चा ने थोड़ी सी भी चुर्र चुर्र कर दी तो बंदरिया ऐसी भागे आवेगी दौड़ के। अब वहाँ अब बंदर, बंदर बड़ो एक्टर हुए, ऐसा बढ़िया एक्टिंग करे, जा समय गुस्सा करे, खिर्र खिर्र करके आँख अलग निकलें, कान अलग हिलें, और वाकई पूरे मुखाकृति ऐसी विचित्र है, जहाँ हम नहीं, हम तुम नहीं हिला सकते, ऐसे तड़ 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 ऐसे कान हिलाता है, उसके मुखाकृति से ही पता पड़ जाता है कि बड़े गुस्से में है बंदर। अब वहाँ श्री ठाकुर जी वहाँ वन प्रांत में आरो हंतश्चैर दुमान, बोले भैया कन्हैया चढ़ के, ऐसे नहीं चढ़ जा। अब ग्वाल वाल जो है उकसा दें ठाकुर जी को, अब नए कई उकसा दे ठाकुर जी, तो पूरे अरे भैया मैं कैसे नहीं कर सकूं। विकर्षंतः कीश बालान, बंदरों के बच्चों से खेल रहे हैं, और अब गुस्से में बंदर ऐसो कान हिला रहे हो है, अब बंदरियान को बड़ो बड़ो लोग कि हमारे बालक उनको परेशान कर रहे हो, तो खिर्रे खिर्रे करके कान हिला रहे हैं। विकर्षंतः कीश बालान आरोहंतश्चैर दुमान विकुर्वंतश्चैर साधम, तो बंदर कर रहे हैं खिर्रे खिर्रे और ग्वाल वाल भी कर रहे हैं खिर्रे खिर्रे, अब उतने बंदर करें उतने ग्वाल वाल करें। और उस समय वहाँ श्री ठाकुर जी और ग्वाल वाल सब पकड़ के वह बंदरिया के बच्चा को खींच रहे हैं। अब इधर से जैसे ही बंदरिया ने दिखायो मोड़ो अपनो गुस्सा को, तो ठाकुर जी ऊपर से ही वृक्ष पे ही गिरे, और तो वहाँ खरसोट श्री ठाकुर विकर्षंतः कीश बालान आरोहंतः श्रीर्दमान। तो ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, हर बात का प्रमाण है, ब्रज के प्रत्येक गांव, बिना प्रमाण के तो कोई, यहाँ सब लीलाएं हुई हैं। और यहाँ इस प्रकार खरसोट की जो लीला है, खरोंट गांव हुआ, श्री ठाकुर जी को यहाँ चरणों में खुरसाट लग गई, इस स्थान का नाम खरोंट हुआ, और खरोंट का दर्शन करते हुए आप लोग यहाँ कोसी में आज पधारे हैं। और कोसी में यहाँ आने के बाद, कोसी की बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है, पूज्य श्री बाबा महाराज का पदार्पण हो चुका है, आ गए बाबा महाराज यहीं पर, तो थोड़ा सा कोसी का भी वर्णन हम लोग सुनेंगे और फिर उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। वायु पुराण में कुसवन कोशी का प्रमाण प्राप्त होता है। कुशलं च तत्रैव पुण्य पाप हरम शुभम तत्र स्नातो नरो देवी ब्रह्मलोके महीयते अपात्रो मुंचते प्राणान मम लोकम स गच्छति। गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण की ये गौचारण भूमि है, और गौचारण के साथ साथ यहाँ जिस समय कुशवन, जिसका पौराणिक नाम है कुशवन, जिसको वर्तमान में कोसी कहते हैं, कोसी कला, कोसी यह स्थान है, और जब श्री ठाकुर जी 5 वर्ष के थे, जब वत्सपाल से गोपाल बने हैं, अब गोपाल बनने के बाद गैयाओं को चराने के लिए श्री ठाकुर जी पधारे हैं, तो या इसी लीला स्थल पर श्री ठाकुर जी गैया चराते चराते आए हैं। और
रम्ये कुशवने सौम्ये लता जाल समन्विते। और गर्ग संहिता में इसकी बड़ी सुंदर लीला का वर्णन प्राप्त होता है, इसका हम लोग अभी श्रवण करेंगे। पूज्य बाबा महाराज आ चुके हैं। श्री राधा मानवी हरिलाल की, श्री श्री बाबा महाराज की, श्री राधे राधे। ब्रजयात्रियों, आप जैसे भावुक हो, आपकी भावना को राधा रानी भी सुनती हैं और बाबा महाराज भी सुनते हैं। देखो, बाबा महाराज दिन भर याद करते हैं आप लोगों की, आपकी यात्रा की। तो अस्वस्थ अवस्था में भी आपकी सुध लेने के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। ऐसे कृपा निधान बाबा महाराज का जब आपको आश्रय प्राप्त है तो अन्य चिंताओं का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्रेम से, खूब आनंद से यात्रा करते रहो। हमारा जो भी शोक ताप जो कुछ भी है, बाबा महाराज उसको हरण करके हमें प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे, श्री राधे राधे। श्री बाबा महाराज यहाँ पधारे हैं हम सब लोगों के सुख प्राप्त कराने हेतु, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का दर्शन समस्त अमंगलों को दूर करने वाला और मंगल प्रदान करने वाला है। कोसी के लोग बाबा को बहुत प्रिय हैं। जैसा कि कोसी नंद बाबा का कोष है, उसी तरह से बाबा आज उस पुरातन स्वरूप को अपने हृदय में संजोए हुए कोसी के लोगों को द्वारकावासी और ब्रजवासी दोनों समझ करके उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे बहुत पुराने यहाँ कोसी के लोग बैठे हुए हैं, श्री भारद्वाज जी और आर्यन भारद्वाज जी और श्री तोमर साहब रघुवर जी, आप बहुत जुड़े हुए हैं मान मंदिर से, और भी बहुत सारे कोसी के गणमान्य लोग हैं। आप सब ने मिलकर के गोमती गंगा को बहुत पहले नया स्वरूप प्रदान किया था, क्योंकि बाबा महाराज ब्रज की प्रत्येक लीला स्थल का पुनरुद्धार कर रहे थे, तो उस समय आप सभी की बड़ी महती भूमिका रही। बाबा महाराज यहाँ पधारे हैं, उनका आगमन आप सभी की प्रसन्नता के लिए है, तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस बाबा महाराज का आशीर्वचन। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम बरसाने से चले थे, कोसी में बहुत देर लग गया, 20-30 साल बाद कोसी इतनी बढ़ गई, आश्चर्य है। यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे लग गए, लेकिन हमने कहा यात्रा तो देख के जाएंगे। यात्रा में आने के बाद हमें आश्चर्य हुआ, यात्रा हमने शुरू किया था 70 साल पहले, अब इतनी बढ़ गई यात्रा कि बड़े बड़े शहर बन गए कोसी वगैरह। किंतु श्री जी ने उत्साह दिया था, आप आ जाओ, तुम आ गए। अब यहां से आगे हम शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहर बन गए, जो छोटा सा कोसी सा शहर बन गया। बड़ी जल्दी संसार बदल रहा है, इसलिए आने पर हमको पता पड़ा हम कहीं नहीं जाएंगे। हम गए वरुण रहते
जंगल में ये शहर ये बस्तियाँ आश्चर्य इतने बढ़ गए। अब कोसी से लौट जाएंगे तो शायद आगे हम अब नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी जनता को बढ़ गई। 60-70 साल पहले यात्रा शुरू किया था, अब इतने शहर बन गए, आदमी बढ़ गए। आने पर पता पड़ा अब आना बेकार है, अपना वही गहवरुण बच्चा है, जंगल है, पहाड़ है, वही वृक्ष है, वही ब्रजवासी है, इसलिए आपको सबको प्रणाम करते हैं। आगे अब हम शायद नहीं आ पाएंगे, कोशिश ही हमारा मन भर गया, बहुत बड़ी कोशिश। राधे राधे। बाबा महाराज निर्जन स्थानों में बहुत रहे और मान मंदिर में भी ऐसा वातावरण था जो कि हमने बचपन में देखा कि बाबा जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष में किसी भी प्रकार सूर्य की किरणों का प्रकाश नहीं पहुंच पाता था। सतत उस ऐसे सघनता वाले गहवर वन में जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचे रहते रहते बाबा को ये बाह्य चकाचौंध अब थोड़ी ऐसी अच्छी नहीं लगती है। और वही बाबा महाराज अभी चर्चा कर रहे हैं कि सब जगह शहरों का वो बड़ा बढ़ाव हो रहा है, बन रहे नहीं हैं। वनों से जो प्रेम है उसके प्रति बाबा महाराज बहुत ही प्रारंभ से ही उसके प्रति सचेष्ट रहे, वनों के उद्धार के लिए, सरोवरों के उद्धार के लिए। और ब्रज यात्रा जो है ये भगवान नाम प्रचार प्रसार का एक हेतु बनी। गांव-गांव घर-घर में बाबा ने भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया। तो फिर भी इन लीला स्थलों से इतना प्रेम है, ऐसी अवस्था में अस्वस्थ अवस्था में बाबा महाराज यहाँ आए हैं। इतना याद है कि तोमर जी और भरद्वाज जी इन्होंने बड़ा सहायता किया था, गोमती के उद्धार में इनको हम पहचान गए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब नामों में है प्यार।